हेलो गाइस, मार्केट टेक्नीशियन में आपका स्वागत है। और इन दिस एपिसोड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट इज स्टॉक मार्केट एंड हाउ स्टॉक मार्केट वर्क्स। देखिए, अगर आप बिगिनर्स हैं तो इस प्लेलिस्ट को जरूर फॉलो कीजिए। दो वीडियो ऑलरेडी है और ये थर्ड एपिसोड है। और इस एपिसोड में हम इक्विटी इन्वेस्टिंग के बारे में बात करेंगे। पहले एपिसोड में हमने देखा कि इन्वेस्टिंग क्यों करना चाहिए। अब मान लीजिए आपका एज 30 है और आप जॉब करते हो एंड कुछ अमाउंट आप कमा रहे हो, ठीक है, 40,000-50,000 आप अमाउंट कमा रहे हो, लेकिन इन्वेस्टिंग क्यों आपको स्टार्ट करना चाहिए उनके बारे में बताया गया है, तो वीडियो जरूर देख लीजिए। इन द नेक्स्ट एपिसोड यानी सेकंड एपिसोड हमने बताया कि कहां पे इन्वेस्टिंग करना चाहिए, जनरल प्रिंसिपल क्या होना चाहिए, इसके बारे में भी हमने देखा। वहां पे हमने देखा कि इन्वेस्टिंग करने के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट है, जैसे कि बैंक FD, बॉन्ड, रियल एस्टेट, इक्विटी एंड कॉमोडिटी यानी गोल्ड एंड सिल्वर। यहाँ पे सबसे जो लुक्रेटिव इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है जो इन्फ्लेशन को लॉन्ग रन में बीट कर सकते हैं वो है इक्विटी इन्वेस्टिंग। इक्विटी इन्वेस्टिंग में आप कंपनी का ओनरशिप खरीदते हैं। कहाँ पे खरीदते हैं? स्टॉक मार्केट में, शेयर बाजार में। तो वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज स्टॉक मार्केट। देखिए, स्टॉक मार्केट क्या है? स्टॉक मार्केट में हिंदी में कहा जाता है कि शेयर बाजार। शेयर बाजार मतलब कंपनी की शेयर की खरीदारी होते हैं। शेयर मतलब हिस्सा, तो कंपनी की हिस्से की खरीदारी होते हैं। यहां तक आपको समझ में आया कि स्टॉक मार्केट इज ए प्लेस वेयर द इन्वेस्टर कैन बाय ओनरशिप इन कंपनीज एंड कंपनीज कैन रेज फंड्स बाय सेलिंग शेयर्स ऑफ देयर स्टॉक टू द पब्लिक। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट का सिंपल सा डेफिनेशन है, हम स्टॉक मार्केट में कंपनी का ओनरशिप खरीदते हैं और कंपनी फंड्स रेज करते हैं। कंपनी को फंड रेज की जरूरत क्या पड़ते हैं कि हो सकते हैं उनको डेट में है, डेट पे करना चाहते हैं, या फिर कुछ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं तो उनके लिए फंड्स की जरूरत है। वो क्या करते हैं, उनकी शेयर्स बेचते हैं स्टॉक मार्केट में और हम जैसे इन्वेस्टर्स उस शेयर्स को खरीद के उस कंपनी का पार्शियल ओनर बन जाते हैं। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गए होंगे कि व्हाट इज स्टॉक मार्केट। ओके, तो हम कंपनी के शेयर्स कैसे खरीदते हैं? जैसे कि मान लीजिए अमेज़न एक मार्केट प्लेस है, जो सेलर है ना कुछ प्रोडक्ट को बनाया और वो मार्केट प्लेस के जरिए सारे बायर्स को बेच रहा है। तो यहाँ पे अमेज़न क्या है? अमेज़न है मार्केट प्लेस। तो स्टॉक मार्केट में भी मार्केट प्लेस है एक्सचेंज। हमारे इंडिया में दो बड़ी एक्सचेंज है, NSE एंड BSE, जिनके थ्रू हम शेयर खरीदते हैं। सो NSE एंड BSE में कंपनी पहले लिस्टेड होते हैं। जैसे एक बार लिस्टेड हो जाए NSE एंड BSE में, तब हम उस कंपनी का शेयर खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे NSE BSE अमेज़न की तरह एक मार्केट प्लेस है जहां पे हम शेयर खरीद सकते हैं। तो सबसे पहले कंपनी लिस्टेड होते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक कंपनी है जो कि प्राइवेट है, जैसे कि जरोधा। जरोधा अभी प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक नहीं है। तो अगर उनको फंड्स की जरूरत है तो क्या करेगा, वो सबसे पहले IPO के जरिए, IPO मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होते हैं, IPO के जरिए वो लिस्टेड होंगे मार्केट प्लेस में। मार्केट प्लेस मतलब NSE एंड BSE में, और देन हम उस कंपनी का शेयर खरीद पाएंगे। तो पहले प्राइवेट कंपनी IPO के थ्रू पब्लिक कंपनी बन जाते हैं। ओके, जब ये एक्सचेंज में लिस्टेड हो जाते हैं तो वो हो जाते हैं पब्लिक। ओके, सो अभी तक आपको क्लियर एक आइडिया हो गए होंगे कि स्टॉक मार्केट क्या है। स्टॉक मार्केट दैट मीन शेयर बाजार। शेयर बाजार में कंपनी की हिस्से की खरीदारी होते हैं, यानी कंपनी की ओनरशिप की खरीदारी होते हैं। कैसे? मार्केट प्लेस के जरिए। मार्केट प्लेस यहाँ पे क्या है? NSE एंड BSE। सबसे पहले कंपनी NSE एंड BSE पे लिस्टेड होते हैं, पब्लिक को ऑफर करते हैं कि हमारे हिस्से लो और पैसा दो। यानी जब हम शेयर खरीदते हैं, शेयर मतलब कंपनी का छोटा सा हिस्सा खरीदते हैं, तो उस कंपनी का पार्शियल ओनर बन जाते हैं। यहां तक आपको समझ में आ गए होंगे। तो ओवरऑल यहाँ पे स्टॉक मार्केट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन इकोनॉमी ऑल्सो, एज इट अलाउज कंपनीज टू रेज कैपिटल एंड इन्वेस्टर टू पार्टिसिपेट इन द ग्रोथ ऑफ बिजनेस। ठीक है, स्टॉक मार्केट के जरिए हम जैसे इन्वेस्टर पार्टिसिपेट करते हैं उस कंपनी का ग्रोथ में, और ये इकोनॉमी के लिए भी अच्छा है, राइट? तो आइए अब हम एक स्ट्रक्चर वैसे देखेंगे कि स्टॉक मार्केट काम कैसे करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करते हैं वो है सेबी, सबसे बॉस, राइट? ऊपर में सेबी। सेबी यानी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जैसे कि RBI होती है, रेगुलेटरी बोर्ड ऑफ इंडिया, जो बैंकिंग जो सेक्टर है ना, बैंक, उनको रेगुलेट करते हैं। तो रेगुलेटर है यहाँ पे सेबी। उसके बाद NSE BSE जो कि मार्केट प्लेस, मैंने बताया कंपनी लिस्टेड होते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले सेबी है, और उसके बाद NSE एंड BSE जो कि मार्केट प्लेस, मैंने बताया। ओके, और रेगुलेट कर रहा है सेबी ऊपर में बैठ के, बॉस है।
उसके बाद है डिपोजिटरी, डिपोजिटरी CDSL एंड NSDL। जैसे ही हमने मार्केट प्लेस बताया NSE and BSE में जैसे हमने शेयर खरीद लिया तो वो शेयर कहां पे रहेगा, वो शेयर रहेगा CDSL एंड NSDL, ये एक गवर्नमेंट बॉडी है तो वहां पे हमारा शेयर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में रहेगा। ऐसा नहीं है कि शेयर खरीद लिया तो बैग भर के घर में लेके आ गया, ऐसा नहीं है। ये क्या है, जब हम खरीद लिया ठीक है NSE एंड BSE में वर्चुअली, तो अब शेयर इलेक्ट्रॉनिकली हमारे जो डिपोजिटरी है इंडिया में, दो डिपोजिटरी CDSL एंड NSDL, वहां पे हमारा शेयर स्टोर हो जाते हैं हमारे नाम पे। ओके, तो ये होता है डिपोजिटरी। ओके, लेकिन हम कैसे खरीदे, हम डायरेक्टली NSE पर जाते हैं, NSE में कॉन्टेक्ट करके हम खरीदते हैं, तो उनके लिए है डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट, जिनको हम DP भी कहते हैं, लाइक जिनको हम स्टॉक ब्रोकर भी कहते हैं। स्टॉक ब्रोकर जैसे कि जेरोधा, अपस्टॉक, एंजल वन, ICICI सिक्योरिटीज ठीक है, कोटक सिक्योरिटीज, ये सारे जो स्टॉक ब्रोकर है इनको डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स कहते हैं। तो सबसे पहले वहां पे हम जैसे पार्टिसिपेंट को अकाउंट ओपन करना होता है। जैसे हम अकाउंट ओपन करते हैं वहां पे डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट जैसे हमने ओपन कर लिया, वो बेसिकली एक एप्लीकेशन होते हैं, एक प्लेटफॉर्म होते हैं जिनके थ्रू हम ऑर्डर प्लेस करते हैं। कहां पे, मार्केट प्लेस में, यानी NSE एंड BSE में, कि हमको ये खरीदना है। मान लीजिए किसी शेयर का प्राइस है 100, तो हमको खरीदना है, तो हमने एक ऑर्डर लगाया कि 100 में खरीदना है, तो स्टॉक ब्रोकर के प्लेटफॉर्म के जरिए वो जाएगा NSE में। अगर कोई बेचने वाला है 100 रुपीज में, अगर ऑर्डर मैच हो जाए, हमारा प्राइस जो है मैच हो जाए, तो ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, और ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया मतलब ट्रेड कंप्लीटेड, राइट। तो ये प्रोसेस है, सबसे पहले SEBI, उसके बाद NSE एंड BSE, देन डिपोजिटरी CDSL एंड NSDL, एंड देन डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट, जैसे कि मैंने बताया जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, एंड अपस्टॉक्स, ICICI डायरेक्ट। स्टॉक ब्रोकर प्रोवाइड करते हैं डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट, और ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू हम ऑर्डर प्लेस करते हैं एक्सचेंज में, यानी मार्केट प्लेस में, और उसके बाद जैसे शेयर खरीद लिया तो क्या होगा, वो शेयर हमारा डिपोजिटरी में चला जाएगा, यानी NSDL या फिर CDSL में चला जाएगा। वो जो स्टॉक ब्रोकर है जिस डिपोजिटरी के साथ लिंक्ड है, उस डिपोजिटरी में हमारा शेयर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में स्टोर हो जाएंगे, और जैसे ही हमने शेयर खरीदा वैसे ही हमारा ट्रेडिंग अकाउंट से पैसा कट जाएगा, एक शेयर का जितना भी प्राइस होंगे पैसा वहां पे कट जाएगा। ओके, और शेयर खरीदने से पहले हमको पहला काम करना है, बैंक अकाउंट से ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना पड़ता है ठीक है। और उसके बाद जैसे ही हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा आ गया तब हम शेयर खरीद सकते हैं। ओके, और सबसे नीचे है पार्टिसिपेंट, पार्टिसिपेंट दैट्स मीन FOI, DOI एंड हम जैसे रिटेलर्स। FOI यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, एंड DOI यानी हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ओके, फॉरेन लोग भी यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं हमारे मार्केट में, एंड DOI यानी डोमेस्टिक, हमारे जो देश में जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनी, वो लोग भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन ये बड़ा बिग प्लेयर होते हैं इसलिए इनको इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कहा जाता है। ये लोग भी अकाउंट ओपन करते हैं ब्रोकर में, इसलिए ये पार्टिसिपेंट्स हैं। उसके बाद डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट मिल जाते हैं, उनके थ्रू ऑर्डर प्लेस करते हैं बाइंग एंड सेलिंग ऑर्डर एक्सचेंज में, जैसे ही ऑर्डर मैच हो जाते हैं, ट्रांजेक्ट हो जाते हैं, उनको ट्रेड कहते हैं, और ये सारी चीजें देखते हैं बॉस से भी। ये होता है मोटा मोटा स्ट्रक्चर जो मैंने आपको बताया हाउ स्टॉक मार्केट वर्क्स। ओके, लेकिन ये जो ब्रोकर है ना, ब्रोकर को चार्ज करते हैं, जैसे कि आपने शेयर खरीदा तो वहां पे STT ब्रोकरेज चार्जेस भी है जो आपको ध्यान में देना है। ये भी मैं आपको बता देता हूं कि मान लीजिए कि आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो सबसे पहले आपको डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना है। अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे जाके अकाउंट ओपन कर लीजिए। जैसे कि जीरोधा, अपस्टॉक्स, एंजल वन, जैसे कि मान लीजिए आपको जीरोधा में खोलना है, यहाँ पे क्लिक कीजिए, देन अपना कुछ डिटेल्स फिल आउट करते जाइए तो ओपन हो जाएगा। कुछ भी क्वेरीज आ रहे हैं तो फिल फ्री टू आस्क ऑन दिस व्हाट्सएप नंबर, मैं आपको हेल्प करने वाला हूं। ओके, तो सबसे पहले डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर लीजिए, एक दिन के अंदर ही ओपन हो जाते हैं, नेक्स्ट दिन में आप शेयर खरीद पाएंगे। ओके, देन लॉग इन ट्रेडिंग टर्मिनल, तो आपको यूजर आईडी एंड पासवर्ड मिलेगा, उसके थ्रू आपको उनके एप्लीकेशन में यानी ट्रेडिंग टर्मिनल पे लॉग इन करना है। देन फंड्स ऐड टू ट्रेडिंग अकाउंट, फंड्स ऐड करना होगा ट्रेडिंग अकाउंट में। देन प्लेसिंग ऑर्डर टू एक्सचेंज, ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा एक्सचेंज में, जैसे कि लाइक दिस, देखिए मैंने यहाँ पे एक शेयर खरीद के दिखा रहा हूँ, ऑर्डर प्लेस कर दिया मैंने, और ये देखिए ट्रांजेक्ट हो गया क्योंकि सेलर भी रेडी थे उस प्राइस में सेल करने के लिए, तो कंप्लीट हो गया, तो एक शेयर मुझे बाय हो गया, ऑर्डर मैच, ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल, एंड गेट द शेयर टू योर डीमैट अकाउंट यानी डिपोजिटरी अकाउंट CDSL या NSDL में, ये आ जाएगा T+1 डेज में, एक ही दिन के बाद, आज ट्रेड किया तो नेक्स्ट दिन ये हमारे डीमैट में आ जाएगा, एंड मनी विल बी डिडक्टेड फ्रॉम योर ट्रेडिंग अकाउंट। एंड ये जो मनी है देखिए ऑलरेडी कट चुका है, जितना प्राइस है इसका
SBI का एक शेयर का ये देख सकते हैं ये प्राइस यहाँ पे कट गया। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है कि इस तरह काम करते हैं। ओके, तो यहाँ पे शेयर प्राइस इंक्रीज भी हो सकते हैं, शेयर प्राइस डिक्रीज भी हो सकते हैं। इक्विटी इन्वेस्टिंग में हमने देखा कि ये कैपिटल गारंटी नहीं है। मान लीजिए हमने बाई किया 10 शेयर 100 प्राइस में, ओके 1000 रुपीज हमारा लग गया। ओके, उसके बाद ये मान लीजिए CDSL डिपोजिटरी में हमारा स्टोर हो गया इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट, तो अभी ये इंक्रीज भी हो सकते हैं। मान लीजिए 110 यानी 110 भी हो सकता है या 90 भी हो सकता है, 10 पॉइंट अप एंड डाउन मैंने यहाँ पे दिखाया, दोनों प्रोबेबिलिटी है। सपोज मान लीजिए करंट प्राइस 120 हो गया, कुछ अच्छा न्यूज आ गया उस स्टॉक्स में, अच्छा खासा मूव दे दिया एंड 120 हो गया, तो 120 में आप सेल कर रहे हो तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 क्वांटिटी एंड 120 में सेलिंग प्राइस एंड 100 बाइंग प्राइस, दैट मीन 20 रुपीज प्रॉफिट हो रहा है एक शेयर में, एंड 10 शेयर हमने खरीदे थे, दैट मीन 200 रुपीज हमारा टोटल प्रॉफिट। तो इस तरह स्टॉक मार्केट काम करते हैं। मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया, अगर आप बिगिनर्स है कुछ भी क्वेरीज आ रहा है तो व्हाट्सएप कीजिए, एंड अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग करना है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी कुछ लिंक्स है, उस म्यूचुअल फंड में भी कर सकते हो। एंड कुछ भी क्वेरीज आ रहे हैं तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो गाइस। तो ये जो आपने ट्रांजेक्शन की तो इंडिया पे कुछ चार्जेस भी जाएगा ब्रोकरेज एंड एसटीटी, तो दैट्स वाई आपको अच्छे ब्रोकर में अकाउंट ओपन करना चाहिए। मेरे हिसाब से जीरोधा अपस्टॉक्स एंड एंजल ब्रोकिंग में आप अकाउंट ओपन कर सकते हो, लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। इन द नेक्स्ट एपिसोड वी विल बी टॉकिंग अबाउट हाउ कैन यू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट, ठीक है, कि स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्टिंग कैसे कर सकते हो, मैं लाइव इन्वेस्टिंग करके दिखाने वाला हूँ इन द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।